कल बैठ के अभी हमें हम लोग बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के, उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके बाद में सब मिलकर के लोकसभा के सदस्यों एक कैंडिडेट के रूप में चयन होगा, हाईकमांड करेगी, हम सब मिलकर के मैदान उतर रहे हैं। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं कि 25 से 25 ही हम जीत रहे हैं राजस्थान का। देखिए राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर हमने, और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में एक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टी ने भी साथ दिया है और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले, ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी जो सोच थी हमारी सरकार की, हम सब की, हमारी कैबिनेट की, मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री मुझसे खुद से या विधायकों से वो गलतियाँ नहीं है जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है, ये हमारी सोच का अंग है, उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको, नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर, सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4.5 साल तक, उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने टेस्ट टेस्ट कर दिया, बंद कर दिया, कमजोर कर दिया, उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अच्छे काम के चल रहे होंगे उन और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे, ये मैं सोच कह सकता हूँ। लोकसभा के लिए